स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के बारे में आपने ये तो ज़रूर सुना होगा कि यह दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा है। आइए बात करते हैं इस स्टैच्यू के बारे में कुछ ऐसे बातें जो आपने नहीं सुनी होंगी, जैसे कि यहाँ पर डेली कितने विजिटर्स आते हैं और आखिर इस स्टैच्यू की हाइट 182 मीटर्स ही क्यों रखी गई। शुरू करने से पहले कृपया चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। थैंक यू। इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट होने में 5 साल लगे और इस तरह से यह शॉर्टेस्ट टाइम में कंप्लीट होने वाला लॉन्गेस्ट स्टैचू है। इस प्रोजेक्ट की कुल लागत 2,989 करोड़ रुपीज़ है और इसमें 18,500 मेट्रिक टन स्टील, 1,700 मेट्रिक टन ब्रोंज, 70,000 मेट्रिक टन ऑफ सीमेंट का इस्तेमाल किया गया है। सरदार वल्लभ भाई पटेल को आर्किटेक्ट ऑफ इंडिया भी कहा जाता है क्योंकि 543 डिफरेंट प्रेसिडेंसीज को एक साथ मिला करके इंडिया बनाने में उनका एक अहम योगदान रहा है। गुजरात में टोटल 182 कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं और इसी रीजन के कारण स्टैचू की हाइट 182 मीटर्स रखी गई है। इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए नेशनल यूनिटी मिशन के तहत 1,70,000 हिंदुस्तान के गांवों से 135 मेट्रिक टन की स्टील जमा की गई थी। इस प्रतिमा के आर्किटेक्ट पद्म भूषण अवार्ड विनर रामबन जी सुतार हैं, जिन्होंने पहले 30 गज की प्रतिमा बनाई और इस स्मॉल स्केल प्रतिमा को चाइनीज कंपनी ने स्कैन करके फाइनल असेंबली होने वाले ब्रोंज स्ट्रक्चर को तैयार किया। दुनिया की और ऊंची प्रतिमाओं में सिंगल ब्रॉड बेस है स्टेबिलिटी के लिए, लेकिन इस प्रतिमा में डबल बेस है और स्टेबिलिटी के लिए ट्यून मास टैंपस लगे हुए हैं। यह प्रतिमा 180 किलोमीटर पर आवर के विंड और भूकंप के झटके 6.5 रिक्टर स्केल तक सह सकता है। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के बारे में और डिटेल जानकारी के लिए आप मेरी वेबसाइट engineinsight.com ज़रूर विजिट करें। जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।